अरे जल्दी चलो, ज्यादा देर हो गई तो धूप चढ़ जाएगी, उसके बाद इस 3 घंटे की ड्राइव का मजा ही नहीं रहेगा। घड़ी की तरफ देखा तो शुक्रवार का दिन सुबह के 9 बजे थे। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ आती हूँ। भाविन और हेतल सूरत में रहते थे, जहां से दमन कुछ 2.5 घंटे की दूरी पर था। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे और हेतल के कई बार कहने के बाद ये 3 दिन का एक छोटा सा हॉलीडे प्लान हुआ। हल्की हल्की बारिश उनके इस खूबसूरत से लॉन्ग ड्राइव और भी अच्छा बना रही थी। बारिश के कारण गाड़ी धीमे ही चल रही थी, और शुक्र इस बात का था कि अब धूप की कोई टेंशन नहीं थी। करीबन दोपहर के 12 बजे दोनों बीच के पास एक होटल में पहुंचे। होटल में चेक इन करने से पहले बाहर एक बोर्ड देखा था जो पुराना होने की वजह से जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उधर लिखा था, दोपहर के समय बीच पर ना जाएं। हेतल को समंदर का किनारा बहुत पसंद था, इसलिए वो जब मौका मिलता भाविन से दमन ले चलने की ही रिक्वेस्ट करती। काफी साल बाद जाकर हेतल की ये बात भाविन ने आखिरकार रख ली और उसे घुमाने ले आया दमन। हेतल ने दोपहर के समय ही भाविन से बीच पर चलने की जिद करी, और उसकी इज्जत के सामने भाविन की एक न चली। बीच पर पहुंचे तो ऐसा बीच देखकर खुश हो या हैरान, दोनों को समझ नहीं आ रहा था। इंसान तो दूर 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 तक कोई जानवर भी उन्हें नजर नहीं आ रहा था बीच पर। दोनों को दूर से इस सुनसान से बीच पर एक आदमी हाथ में कैमरा लिए उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। ये उन कैमरामैन में से एक है जो अक्सर आपको बीच पर दिखाई देते हैं। दोनों ने उससे अपनी बहुत सारी फोटोज खिंचवाई और कहा कि उन्हें इन फोटोग्राफ्स के प्रिंट नहीं चाहिए, वो उसकी मेमोरी कार्ड से फोटो लैपटॉप में कॉपी कर लेंगे, तो वो उनकी होटल आकर उन्हें मेमोरी कार्ड दे दे। फोटोग्राफर को अपने होटल का नाम बताकर दोनों बीच पर कुछ समय बिताकर होटल चले गए, जिधर रिसेप्शन का स्टाफ हेतल को बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था, जिसे लेकर एक बहस छिड़ी और भाविन और हेतल ने वो होटल छोड़ दिया। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, उन्हें वो फोटोग्राफर मिला जो उन्हें दूसरे होटल तक ले गया। दूसरे होटल में चेक इन करके भाविन अपने कमरे में मेमोरी कार्ड से फोटोज कॉपी कर ही रहा था और कैमरामैन लॉबी में उसका इंतजार कि तभी फोटोग्राफ्स को देखकर भाविन को बहुत जोर का झटका लगा और वो सीधा नीचे दौड़ता हुआ कैमरामैन की तरफ पहुंचा, पर कैमरामैन वहां था ही नहीं। भाविन और हेतल बड़े दिनों बाद एक छोटे से हॉलिडे के लिए दमन गए। वहां एकदम सुनसान बीच पर उन्हें एक फोटोग्राफर मिला जिसने उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची। जब भाविन मेमोरी कार्ड से फोटोग्राफ्स लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा था कि कुछ देखकर लॉबी में बैठे कैमरामैन से बात करने अपने रूम से नीचे की तरफ दौड़ा, लेकिन फोटोग्राफर वहां नहीं था। फोटोज उन्होंने बीच पर खिंचवाए थे, पर मेमोरी कार्ड में फोटोज उनके घर से लेकर अभी तक की सारी की सारी थी। इसका मतलब यह कैमरामैन बहुत टाइम से उनका पीछा कर रहा था, मगर क्यों यह किसी को मालूम नहीं था। भाविन हेतल को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने। भाविन की बात सुनकर पुलिस उसके साथ बीच पर गई, जो बीच थोड़ी देर पहले सुनसान था। वो शाम होने की वजह से अब खचाखच भरा पड़ा था। फोटोग्राफर्स वहां इतने थे कि किसी एक को खोजना रेत में सुई ढूंढने के बराबर था। काफी देर तक खोजबीन के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने दोबारा उस कैमरामैन का हुलिया कंफर्म किया और कुछ पता लगने पर भाविन को बताएंगे ऐसा कहकर चले गए। भाविन जब होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर स्टाफ ने कहा, सर कोई आपसे मिलने आया था पर आप रूम में नहीं थे, इसलिए ये मेमोरी कार्ड मैंने रख ली, ये उसे नहीं दी है।
इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि अब इस मेमोरी कार्ड में क्या होगा। मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाने से जो तस्वीरें दिखी वो देख उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। ये सारी तस्वीरें थी भाविन की होटल से निकलकर पुलिस स्टेशन तक जाने की, वहां से बीच तक जाने की, फिर वहां से होटल आने की और रिसेप्शन पर होटल के स्टाफ से मेमोरी कार्ड लेने की, और आखिरी तस्वीर थी वो जहां वो अपने लैपटॉप पर इन सारी तस्वीरों को देख रहा था। भाविन और हितल छुट्टियां मनाने दमन गए काफी दिनों के बाद, जहां एक फोटोग्राफर शायद घर से उनका पीछा कर रहा था और उनके हर एक पल की तस्वीर खींच खींच कर उनको भेजता जा रहा था। उन्हें शक था उसी फोटोग्राफर पर जो उन्हें बीच पर मिला। यह फोटोग्राफर भाविन और हेतल को दोपहर के टाइम बीच पर मिला था, इसलिए इसे ढूंढने के लिए वो दोबारा उसी वक्त उसी जगह पहुंचे। ये बीच ठीक कल की तरह बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भाविन को वही फोटोग्राफर दूर से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता नजर आया। उसने पास आकर बोला, अरे सर, आप बिना बोले होटल छोड़कर कहां चले गए थे? ले लीजिए आपकी सारी फोटोग्राफ्स, इस मेमोरी कार्ड में है। आप कौन से होटल में बता दीजिए, मैं वहां आकर शाम को ले जाऊंगा। भाविन ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सीधे पुलिस को फोन लगा दिया। वो भाग ना पाए इसलिए भाविन उसे छोड़ ही नहीं रहा था और उसे जकड़ के रखा था। मानी मन भाविन को इतना सुकून था कि कम से कम अब वो परेशान नहीं होगा और उसे पता चलेगा कि आखिर ये कर क्यों रहा था ऐसे। थोड़ी देर में पुलिस वहां आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। जाते जाते भाविन से कहा कि आप आराम से होटल जाइए, हम पूछताछ करके आपको बताते हैं। भाविन जैसे ही होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर एक मेमोरी कार्ड उसका इंतजार कर रहा था। कैमरामैन को तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर ये मेमोरी कार्ड कौन दे गया होगा? कई सारे सवाल उभर रहे थे इस वक्त भाविन के दिमाग में। उसने तुरंत वो मेमोरी कार्ड लिया और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया, तो एसी की ठंड में भी भाविन को घुटन होने लगी। मेमोरी कार्ड में दो फोल्डर थे, एक टुडे और एक एक्स्ट्रा के नाम से। टुडे में वो तस्वीरें थी जहां भाविन होटल से निकलकर बीच तक गया, फोटोग्राफर को पकड़ा, पुलिस उसे पकड़कर ले गई और वो फोटोग्राफर लॉकअप में था। इसका मतलब साफ था कि फोटोग्राफ्स इस फोटोग्राफर ने तो नहीं खींची थी। इस मेमोरी कार्ड के जब एक्स्ट्रा फोल्डर को भाविन ने खोला तो उसमें जो तस्वीरें थी उनमें भाविन और हेतल झगड़ रहे थे। एक तस्वीर में हेतल का बदन नीला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी थी, और एक आखिरी तस्वीर में भाविन अकेले गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहा था। भाविन और हेतल छुट्टियां मनाने दमन गए थे, जहां उन्हें कोई फोटोग्राफर फॉलो कर रहा था और उनकी हर एक पल की तस्वीर उन्हें भेज रहा था। ताजुब की बात यह है कि उसने कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी भी भेजी जो शायद इनकी लाइफ में आगे होने वाली थी। कैमरामैन के दिए मेमोरी कार्ड के एक्स्ट्रा नाम के एक फोल्डर में कुछ तस्वीरें थी जहां हेतल का बदन नीला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी थी, और एक आखिरी तस्वीर में भाविन अकेले ही घर जा रहा था। भाविन इन तस्वीरों के बारे में सोच ही रहा था कि हेतल ने उसके सामने वो तस्वीरें उसके हाथ में रखी जिनमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था। भाविन का सच उसके सामने था और अब उसने बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, क्योंकि यहां मैं वैसे भी इसलिए ही तुम्हें लाया था कि तुम्हें यह सब बता सकूं। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता,
और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। भाविन के मुंह से सच्चाई सुन हेतल टूट पड़ी और रोते रोते भाविन की आंखों के सामने ही बाथरूम में चली गई। भाविन दरवाजा खटखटाते खटखटाते परेशान हो गया, पर हेतल ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से बस रोने रोने और रोने की आवाजें आ रही थी। तंग आकर भाविन चिल्लाया, मरो यहीं पे, जा रहा हूं मैं, देखता हूं कैसे आओगी शहर अकेले। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए भाविन अपना सामान लेकर अकेले ही निकल पड़ा। आधे रास्ते जाने के बाद उसे ध्यान आया कि एक तस्वीर तो ऐसी भी थी जहां वो इसी तरह अकेले गाड़ी चलाते हुए लौट रहा था। तस्वीरों के बारे में सोचते सोचते वो कब घर के पास पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। घर के सामने बहुत भीड़ लगी थी और भीड़ में न सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि पुलिस भी थी। भाविन भागता दौड़ता घर के अंदर घुसा तो पता चला कि उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है। लाश घर के बाथरूम में मिली। बीवी की सुसाइड की खबर भाविन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक सवाल जो उसे मन ही मन खाए जा रहा था वो ये कि उसकी बीवी उससे पहले यहां कैसे पहुंची। भाविन शॉक की वजह से चुप था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुलिस ने हेतल का सुसाइड नोट पढ़ना शुरू किया जिसमें उसने लिखा था, मुझे मेरे पति के अफेयर के बारे में पता है, वो मुझे दमन इसलिए ही ले जा रहे हैं ताकि वहां होने वाले हंगामे का किसी को पता न चले और वो मुझे डिवोर्स के लिए मना सके। मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दे सकती इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूं, वो भी खुश और मैं भी। सुसाइड नोट की आखिरी लाइन थी, भाविन अब मैं सिर्फ तस्वीरों में ही तुम्हें दिखाई दूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हेतल की मौत शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे हुई थी। अगर ये सच है तो फिर शुक्रवार के ही दिन सुबह 9 बजे भाविन के साथ निकलकर 2 दिन उसके साथ कौन था।